कुलगाम में चामगुंड पुल के पास वेशो नदी का बढ़ा जलस्तर, 9 खाना बदोशों सहित 11 के करीब पशुओं को रेस्क्यू करके बचाया गया। खराब मौसम घाटी के लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। कुलगाम क्षेत्र में कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। खराब मौसम से लोगों को बचाने के लिए कुलगाम प्रशासन ने बचाव अभियान चलाया। हाल ही में कुलगाम जिले के वेशो चामगुंड क्षेत्र में एक खाना बदोश परिवार को बचाव अभियान के तहत बचाया गया। घाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और इसका कारण है लगातार बर्फबारी और बारिश। चामगुंड क्षेत्र की घटना को लेकर के एक अधिकारी ने बताया कि कुलगाम के चामगुंड के संबंध में जानकारी मिली कि अचानक से बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और खाना बदोश वहां अपने पशुओं के साथ फंस गए हैं। इसी का संज्ञान लेकर पुलिस की टीम, SDRF की टीम, पंचायती राज संस्थाओं के लोग स्थिति को संभालने पहुंच गए। इसके बाद तेजी से बचाव अभियान चलाया गया। घटना स्थल पर बचाव कार्य करते हुए अभियान कर्मियों ने चामगुंड पुल के पास वेशो नदी के क्षेत्र में 9 खाना बदोशों और 100 के करीब पशुओं को बचाया। क्षेत्र के तहसीलदार के अनुसार बचाव अभियान में खाना बदोशों को सुरक्षित निकाला गया, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और साथ ही उन्हें राशन भी मुहैया कराया गया और सोने के लिए बिस्तर आदि की व्यवस्था भी की गई। स्थानीय लोगों द्वारा कुलगाम जिला प्रशासन और पुलिस के प्रयासों व तत्वीरत कार्रवाई की प्रशंसा की गई। जानकारी के अनुसार कश्मीर घाटी में पिछले 2 से 3 दिन का मौसम खराब रहा। मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। दोनों ही स्थितियों के कारण जल धाराओं में पानी की मात्रा बढ़ गई है जिससे सटे हुए क्षेत्र प्रभावित हुए। तापमान में भी काफी गिरावट देखी गई है। और ऐसी ही ताज़ा न्यूज़ अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल ई इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।